جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا अजीजों को इसका इल्म है कि हम इस आखिरी तकरीर में बजुर्ग दावत मातम के और किसी अम्र को पेश नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी रात गुजर जाने के बावजूद आपका ये ज़ौक़े अमल आपको एक मजलिस से दूसरी मजलिस की तरफ खींचे लिया जा रहा है। जाहिर है कि उस खिजालत के बावजूद जो मुझ पर तारी है इस मजमे को देखकर कि मैं आपकी समाज के लिए कोई अहम गुफ्तगू का हदिया नहीं रखता हूं, ताहम काम की बातें जरूरी बातें नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, अजीजों के लिए लाजमी है और यही मकसद मजलिस है। याद रखिए कि मोमिन की जिंदगी में नुदरत पैदा होती है, मोमिन की जिंदगी में नुदरत पैदा होती है मोहब्बत से, यानी मोहब्बत तजदीद हस्ती मोमिन है। जिंदगी में हमेशा ताजगी पाई जाती है मोहब्बत से, जिंदगी में खस्तगी नहीं आती है मोहब्बत से। और फिर ऐसों की मोहब्बत के जिनके लिए ये दिल मुतमईन हो कि हजारों के मजमे में और कभी तमाम सहाबा के दरमियान अपने घर में दो हस्तियों के लिए वाज़ह तौर पे खत्म मर्तबत ने कहा, एक गदीर में दूसरे मदीने में हुसैन को हाथों पर बुलंद करके एक ही जुमला कहा, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, खुदावंदा तू उसको दोस्त रख जो इसको दोस्त रखे, खुदावंदा तू उसको दुश्मन रख जो इसको दुश्मन रखे। सही अहादीस सबों ने तस्लीम किया, अपनी शिद्दत उद्वान के बावजूद अल्लामा हिल्ली की किताब
नहजुल हक का जवाब देते हुए भी यही लिखा गया कि यह हदीस सही है, यह रिवायत सही है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया। अगर पैगंबर की कोई इज्जत है, अगर पैगंबर साहिब वही है, अगर पैगंबर लिसारे सिद्क है, तो यकीनन उसकी जबान से ऐसे जुमले नहीं निकल सकते जहां सिर्फ जंबादारी हो, जहां सिर्फ आइज़ा परवरी हो, जहां सिर्फ अकरबा नवाजी हो। तो इस हकीकत के साथ और इस इल्म के साथ खत्मी मर्तबत ने यह कहा, हमने भी उनकी मोहब्बत का ऐलान कर दिया। और यह ऐलान मोहब्बत है, मजलिस मजलिसों में आपकी शिरकत ऐलान मोहब्बत है। यह जुलूस या मातम या आलम या परचम या जरी, यह सब ऐलान मोहब्बत है। काम की बात यहां से शुरू होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि इतनी सदियां गुजर गई लेकिन हमने कभी किसी वक्त अपने मौकफ को नहीं बदला, हमने कभी पार्टी को चेंज नहीं किया, हमारी वफादारियां नहीं बदली। और हमने यह तय किया कि जिसका साथ देने का वादा किया अब उसका साथ कयामत तक देंगे, कयामत तक देंगे और बच्चों तक यह पैगाम मुसलसल पहुंचता रहेगा, हर नस्ल यह पैगाम आगे बढ़ाती रहेगी कि साथ देंगे। गुफ्तगू यहां तक आ गई तो काम की बात ये कि क्यों ना साथ दें, क्यों ना साथ दें कयामत तक, इसलिए कि इनके अलावा किसी और खानवाले ने, किसी और जमात ने, किसी और फर्द ने, किसी और फकीह ने, किसी और वली ने यह जिम्मेदारी नहीं ली कि कयामत में हम बचा लेंगे, किसी ने यह जिम्मेदारी नहीं ली कि कयामत में हम जिम्मेदार हैं। अगर है कयामत तो कोई है जिम्मेदारी का लेने वाला, और किसने जिम्मेदारी ली उसी के लिए नस रसूल भी है कि खुदावंदा तू उसका दोस्त हो जाओ जो इसका दोस्त हो जाए। तो इस एतबार से इस मरकज शफात के साथ हम हैं, ये मजलिसों में रौनक इसी से है, ये बेदारी, ये जिंदगी, ये हयात के आसार जो पाए जाते हैं फकत उसी कुव्वत के साथ कि जिसको चाहते हैं वो बहुत कवी है, बहुत ताकतवर है, उनमें बड़ी कुव्वतें हैं दुनियावी भी और उखरवी। और इसको एक पैगाम की सूरत में हर सूरत पहुंचना है हर जगह कि हम अपनी सारी कोशिशों के साथ यही चाहते हैं कि किसी सूरत यह पैगाम नस्लम बादा नस्लिन पहुंचता रहे ताकि कयामत में हमको दोहरा सवाब मिले, एक अपने अमल का सवाब, एक बच्चों की तरबियत का सवाब, एक पैगाम को आगे पहुंचाने का सवाब। यह गुफ्तगू तमहीद के तौर पर थी सिर्फ ये बतलाने के लिए कि गुफ्तगू मजहब पे थी, पॉलिटिक्स पे नहीं थी। सियासी जमातों में आपने खुद देखा होगा कि साथ देने वाले कभी इस जमात के साथ हैं, कभी उस जमात के साथ नहीं। हमने तो मजहबी जमातों में भी देखा कि कभी साथ देने वाले ने उस फिका का साथ दिया, कभी साथ देने वाले ने इस फिका का साथ दिया, कभी आजाद हो गए, कभी इंडिपेंडेंट हो गए, कभी खुद अपने इश्तेहाद का ऐलान कर दिया और कहा कि नहीं ये मसला तो हम यूं समझते हैं,
मगर अल्लाह का शुक्र है कि आपने यह तय किया कि जिनका साथ दिया है अब जो कुछ भी सही, बहजार रंजो बहजार गम, अगर दुनिया रंजो गम पैदा करे और अजबाब मुसीबत बन जाए तो भी अब इस वक्त को गुजरना है, इस वक्त को गुजरना है, यहां तक के वो दिन आ जाए जिसका इंतजार है। अगर है वो दिन तो हम मुतमईन है, हम मुतमईन है, इसलिए कि सादिकीन के वादे साथ और इसी मोहब्बत का मुजाहिरा है ये इज्तिमा, ये निस्ब शब के वक्त आपकी तड़प बेचैनी मजलिसों में हाजिरी और फिर ये मातम ये अदा ये सब उसी बेचैनी का मुजाहिरा है कि आप जी रहे हैं। हम कभी कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने खारादर की मजलिस में अर्ज किया कि क्या बात है कि सदियों की बसी हुई और बसाई हुई बस्तियां आज न तारीख में है न हाफिजे में, जहां सदियां गुजर गई खंडर है, वीरानियों के साथ हैं, जमीन में दब गई, न उनका कल्चर बाकी है, न उनकी तहजीब बाकी है, न उनका तमद्दुन बाकी। क्यों दुनिया इस मौजूदे को नहीं देखती कि जो जमीन सिर्फ 8 दिन के लिए बसी, दूसरी मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम, जो जमीन सिर्फ 8 दिन के लिए बसी वो रहती दुनिया तक के लिए बस्ती बन गई, आबादी बन गई, उसकी याद ताजा है, मगर बड़ी कुर्बानी के साथ उसको बसाया, बड़ी कुर्बानी के साथ बसाया उस बस्ती, वो 8 दिन हजारों बरस के बराबर थे, वो 8 दिन नूर के 8 दिन थे। आखिर उस 8 दिन का दुनिया के सनीन और साहब से क्या ताल्लुक है, क्या अंदाजा किया जाए कि वो 8 दिन कितने कीमती हैं। दूसरी की शाम को पहुंचे और 10वीं की शाम को लिखा है कि कर्बला में घर जहरा का ऐसा उजड़ा कि फिर न आबाद हुआ। ये 8 दिन की तारीख, 8 दिन की तारीख, लेकिन ये नूर के 8 दिन थे कि 8000 बरस और 8 लाख बरस के मोहित हो गए, मगर इस कर्बला को बसाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई कि बस्ती बस जा। ये हुसैन की मर्जी थी? नहीं, नहीं, कर्बला से लुटकर वापस आने वालों में से हर एक की मर्जी यही थी कि कर्बला बसे। जिन माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को कर्बला में छोड़ा था उनकी मर्जी यही थी कि कर्बला जबानों पर रहे, कर्बला दिमागों में रहे, कर्बला शऊर में रहे। जिन जिन के घर उजड़े थे कर्बला में सबों ने मजलिसें शुरू की, सबों ने बादे कर्बला मातम शुरू किया। जिस जिस महल्ले में कोई कर्बला का असीर रहता था वहां से सुबह शाम रोने की आवाजें बुलंद होती थी, चलने वाले रास्ता रोक के और रास्ते में ठहर के पूछते थे ये किसका घर है, ये कौन रो रहा है। बड़ी कुर्बानियां दी, यानी मालूम करवा दिया कि कर्बला है, कर्बला को आबाद किया गया मदीने में, कर्बला को आबाद किया गया मक्के में, कर्बला को आबाद किया गया बगदाद में, कर्बला को आबाद किया गया खुरासान में। यह एक मुस्तकिल मसला है,
करबला अपनी जगह पर। खुरासान में अली इब्ने मुसर रजा ने चांद देखा और कहा इब्ने शबीर अगर किसी बात पर रोना आए तो मेरे जब पे रो लेना। मदीने में सैयद साजिदीन ने मुहर्रम का चांद देखा, रोने लगे। मिनहाल ने कहा फरसंदे रसूल क्या अभी तक हम जिंदा है? रिशाद समाया मिनहाल याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा गुम हो गया तो इतना रोए कि आंखों की बसारत जाती है, मेरा तो भरा घर उजड़ गया। मेरे सामने तो 18 बनी हाशिम तड़प के मर गए, मैं ना रोऊं? तो हर जगह से ये कोशिश हुई कि करबला आबाद रहे, और खुसूसियत के साथ बादे करबला जिन बीबियों ने इस जिक्र को बाकी रखा अपने मजलिसों की सूरत में, हम उन्हीं की तसव्वो करते हैं। मरवान इब्ने हकम बादे करबला मदीने का हाकिम हो गया था, जो बाद में आले मरवान की हुकूमत का बानी बन गया। मरवान मदीने का हाकिम बयान करता है कि एक दिन मैं हवालिये मदीना में घोड़े पर सवार रास्ते से गुजर रहा था कि मुझे दूर एक कब्रिस्तान से किसी के रोने की आवाज आई। मैंने गौर किया, देखा कोई औरत रो रही। मैं ये सोचकर कि शायद कोई मुसीबत ज़दा अपने किसी अजीज की कब्र पर रो रही होगी, जरा सा नजदीक होने की कोशिश की कि देखें बहन क्या कर रही है। अब जो नजदीक पहुंचा तो आवाज ये आई, अब्बास अब्बास अगर तेरे हाथ न काटे जाते तो मेरा हुसैन न मारा जाता। बयान ये थे कि अब्बास अगर तेरे हाथ न काटे जाते तो मेरा हुसैन न कत्ल होता। मरवान ने पलट के पूछा अपने आदमियों से कौन रो रहा है? कामीर नहीं मालूम, ये नामू से अली है, ये अब्बास की वालिदा उम्मुल बनीन रो रही है, ये हर सुबह जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में आती है और इसी तरह से शिकायत करती जाती है कि हाय मेरे बच्चे तो कत्ल हो गए मगर हुसैन बच ना सके। मजलिस शुरू हुई, बादे करबला शुरू हुई। याद रह गई करबला, दिलो दिमाग में रह गई करबला। जालिम हो के कातिल हो, दोस्त हो के दुश्मन हो, सब के दिलो दिमाग में करबला आबाद हो गई। किस्सा मुख्तसर, आज शबे जुमा है, आज दिल ने चाहा कि इसी सिलसिले में एक ऐसा तस्करा भी करूं कि फरजंद रसूल को पसंद आ जाए, फरजंद रसूल को पसंद आ जाए। रावी बयान करता है कि बादे करबला मैं एक दिन मदीने की गलियों से गुजर रहा था कि एक मकाम पर पहुंचकर मेरी सवारी रुक गई। मैंने उसको ताजियाना लगाया मगर देखा सवारी आगे नहीं बढ़ी। मैं उतर गया नाके से, देखा नाके के आंखों से आंसू जारी। मैंने गौर किया, देखा कि किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। मैं मुतहैया हो गया कि उस आवाज ने जानवर पर यह असर किया है। कुछ देर मैं दरवाजे पर ठहरा रहा, देखा एक कनीज बाहर आ रही। मैंने कहा कनीज या अमतल्लाह ये कौन रो रहा है? उसने कहा तू नौवारिस है, तू मुसाफिर है, मदीने के लिए नया है। कहा हां मैं नया हूं, मगर रोता कौन है? का गौर तो कर आवाज क्या है। आवाज क्या आ रही थी? अली अकबर मेरे लाल, अली अकबर तुम इसी तरह से याद आते रहोगे। कनीज ने कहा मुसाफिर, ये उम्मे लैला रो रही है, सो
शाम तक रोते।